Hello students, good morning. How are you? Today our lecture number 4 of chapter number 1, solid state. Today we are talking about packing fraction. Packing fraction and packing efficiency. Most of your students know packing fraction and packing efficiency both are same thing, but this is not. Packing efficiency and packing fraction both are different things, but quite similar. Firstly, why we are going to calculate packing fraction or packing efficiency? Then, if anyone giving you a ball, a box and a cube, a box is also example of a cube, okay? तो एक बॉल दे देता है, एक बॉक्स को दे देता है, उसमें बोलते हैं कि इस बॉक्स में मैक्सिमम आप कितने बॉल को ऑक्यूपाइड करवा सकते हैं। इसी चीज़ को डिफरेंट वे में कह सकते हैं कि इस बॉक्स में कितने बॉल को आप अच्छे से ऑक्यूपाई करवा करके आप मैक्सिमम इस बॉक्स मतलब क्यूब का मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 20 बॉल को उसमें अच्छे से अरेंज कर लिया, अगर तुम लोगों ने 15 बॉल को अरेंज किया, मतलब तुम्हारी इफ़िशियंसी बहुत एक्यूरेट नहीं थी। मेरी इफ़िशियंसी ज़्यादा एक्यूरेट थी क्योंकि स्पेस तो दिया हुआ था, मतलब एक हम लोगों को क्यूब दिया हुआ था। क्यूब इज़ द एग्जांपल ऑफ बॉक्स, बॉक्स ले सकते हैं क्यूब के एग्जाम्पल में। तो अगर मैंने मैक्सिमम बॉल को अरेंज कर लिया, मतलब ज़रूर मैंने बहुत अच्छे से फार्मूला स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। चलो देखते हैं फार्मूला, देखते हैं व्हाट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन एंड व्हाट इज़ पैकिंग इफ़िशियंसी। तो सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हम लोग उसका जो वैल्यू है ना, एक के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट विथ अ रेस्पेक्ट ऑफ वन, समझ गए। जबकि पैकिंग इफिशियंसी जो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ 100। 100 के रेस्पेक्ट में जो निकालते हैं उसको कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी, और 1 के रेस्पेक्ट में जो निकालते हैं उसको कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब चलो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉक्स का, एक क्यूब का। देखो क्यूब या बॉक्स जो होते हैं दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशन, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ओनली 2 डायमेंशन। हमने जो यहाँ पे बनाया है वो क्या बनाया है, 2 डायमेंशन, समझ गया ना। 2 डायमेंशन एक बॉक्स है या एक क्यूब है, क्योंकि हम पेपर पे तो इसको ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोगों को बॉल दे रखा है, समझ गया ना। तो मैक्सिमम ये जो वॉल्यूम है ना बॉक्स का, ये मैक्सिमम ऑक्यूपाई कैसे कर रहे हैं, तो इसको फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मूला दोनों का यूज़ करते हैं, एक करते हैं व्हाट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन और एक दूसरा करते हैं व्हाट इज़ पैकिंग इफ़िशियंसी। तो चलो पहले देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का। ये जो वॉल्यूम है ना हमारा बॉक्स का, समझ गया ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन में ऊपर जो होगा, जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स मतलब सिंपली हम तुमको बता दे रहे हैं, हाँ ये हमारा पूरा बॉक्स है, समझ गए, ये पूरा बॉक्स है, इसमें सारे क्या एटम को हम क्या किए हैं, अरेंज किए हैं। तो ये क्या हुआ एटम, और ये जो पूरा चारों तरफ जो है ना, ये क्या है बॉक्स। तो सिंपली बोलेंगे व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द पैकिंग इफिशियंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स, जो उसमें बॉल डाले हैं उसका वॉल्यूम, और बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब बॉक्स का वॉल्यूम हमारा जो दिया हुआ, ऑलरेडी हमारा बॉक्स का वॉल्यूम तो हम लोग को नज़र आ रहा है, समझ गए। ये क्या हुआ पैकिंग फ्रैक्शन का, समझ गए। और नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ द पैकिंग इफिशियंसी। तो क्या बोले थे, पैकिंग इफिशियंसी विद रेस्पेक्ट ऑफ 100 निकालते हैं। तो सेम फार्मूला मतलब इसी फार्मूलों के, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, इसी को क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा पैकिंग इफिशियंसी। और पिक्टोरियल तुमको एक बार हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, पिक्टोरियल में क्या ये है वो देखते हैं। देखो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर हम लोगों ने बॉल को अरेंज किया, समझ गए। लेकिन देखो अभी भी ये बॉक्स के अंदर बॉल जो है ना
कुछ वॉल्यूम अभी भी खाली नज़र आ रहे हैं। खाली नज़र आ रहे हैं मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे से बॉक्स का या क्यूब का जो वॉल्यूम दिया हुआ था उसको अच्छे से ऑक्यूपाई नहीं किया है, तो ये हमारा बड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं आएगा। यही निकालने का एक्यूरेट तरीका जो है इसी को क्या कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। अब चलो आगे न्यूमेरिकल इस पर ड्रॉ करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे इसको बता देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।